स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी रूस, डी चीन। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति, विशाल युवा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारत को इस सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख में हो रही वृद्धि का प्रमाण भी है। अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ए फार्मास्यूटिकल्स, बी ऑटोमोबाइल, सी मोबाइल फोन, डी स्टील। आंसर सी मोबाइल फोन। एक्सप्लेनेशन, पिछले एक दशक में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। साल 2014 में इसकी शुरुआत के वक्त देश में केवल 2 फैक्ट्रियां मोबाइल बनाती थी। अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल बना रही हैं। इनमें एप्पल जैसी कंपनी भी शामिल है। इसके कारण दुनिया को भारत से मोबाइल निर्यात में 7,500% की तेजी आई है। अगला प्रश्न। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया गया है? ए ग्रेटर नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आंसर ए ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है। ट्रेड शो में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण कर चुके हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। अगला प्रश्न। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी पुणे। आंसर डी पुणे। एक्सप्लेनेशन, भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में थमेक्स लिमिटेड में रखी गई। ये कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर ने रखी। प्लांट की क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन TPD है। ये परियोजना थमेक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? ए रिया सिन्हा, बी प्रांजल प्रिया, सी छवि वर, डी सुष्मिता रॉय। आंसर ए रिया सिन्हा। एक्सप्लेनेशन, 22 सितंबर को गुजरात की रहने वाली 19 साल की रिया सिन्हा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी उर्वशी रौतेला ने रिया को ताज पहनाया। प्रांजल प्रिया पहली रनर अप एवं छवि वर दूसरी रनर अप रही। सुष्मिता रॉय एवं रूप फुजानो विसु तीसरे और चौथे रनर अप के स्थान पर रही। ताजमहल की तरह डिजाइन इस क्राउन में 3 बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारे वाइट डायमंड लगे हैं।